मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। तो मेरे दोस्त, आज हम देखने वाले हिंदी बुक के कहानी, क्या निराश हुआ जाए? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सच भी लगता है। देखो, हमारा समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में ना ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है, सबके सब बेईमान हो गए हैं। हर व्यक्ति को शक की नजर से देखा जा रहा है। एक बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, देखो बाबू, तुम्हें बात बताता हूँ, इसमें सुखी वही है जो कोई काम नहीं करता है, जो निठल्ला बैठा है। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता है, सब में होता है दोष। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीने वाले भोले भाले लोग भूखे मर रहे हैं, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और झूठ बोलने वाले लोग, ठगने वाले लोग जीवन में सुखी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं। देश में ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे किसानों को फायदा मिलेगा, स्कूल और हॉस्पिटल खुलेंगे। लेकिन यह सब काम करने के लिए जिन लोगों को काम पर रखा गया है वही बेईमान है। वे अपने बारे में सोचते हैं और गरीबों के लिए जो कुछ सुख सुविधा सरकार भेजवाती है उसको यह लोग रख लेते हैं। आखिर में गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। कानून यानी गवर्नमेंट चीजों में बेईमान लोग जरूर बैठे हैं, जो गरीबों को मिलने वाली सुख सुविधा को खुद रख लेते हैं। लेकिन हमारा धर्म इन सबसे ऊंचा है, वह आज भी चोरों, डकैती, बेईमानी और ये सब को गलत मानती है। आज भी कुछ ईमानदार लोग बाकी हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए की जगह पर 100 रुपए दे दिए थे। जल्दी जल्दी मैं गाड़ी में आकर बैठा क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी। थोड़ी देर में टिकट काटने वाले बाबू मुझे पहचानते पहचानते मेरे पास आए और मुझे 90 रुपए वापस किए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, चलो कोई नहीं। यह घटना साबित करता है कि आज भी ईमानदारी बची हुई है। ऐसी ऐसी बहुत घटना मेरे साथ हुआ है। यह घटना बताता है कि अच्छे लोग अभी भी हैं। एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी इसलिए वह रुक रुक कर चलती थी। 8 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से एक सुनसान जगह पर बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बज रहे होंगे। बस के सभी यात्री घबरा गए। बस का कंडक्टर उतर गया और चला गया। लोगों को लगने लगा, हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बात करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिनों पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। सब लोग डरे हुए हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं, मतलब उनको पानी चाहिए, कहीं भी पानी नहीं है। कुछ लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का प्लान बना लिया क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे ना, सोच रहे थे ड्राइवर ही कुछ कर रहा है, वही कुछ गलत करने वाला है, चल ठोकते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर भी बहुत डर गया, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर मुझे देखकर बोला, मैं बस को ठीक ठाक करने का उपाय ढूंढ रहा हूँ, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डरा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने लोगों को समझाया, अरे सुनिए, मारना ठीक नहीं है। लेकिन यात्रियों ने मेरी बात नहीं सुनी, वे बहुत डरे हुए हैं। वे कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, बस का कंडक्टर भाग गया है, डाकू लाने गया वो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पर मैंने किसी तरह ड्राइवर को मारपीट से बचाया। 2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी मांग रहे हैं। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे एक जगह पर घेरा करके रखा। तभी अचानक देखता हूँ कि खाली बस आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने कहा, बस स्टैंड से नई बस लाया हूँ, आप लोग इस पर बैठ जाइए। वह बस कंडक्टर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना धोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं दूध लेते आया हूँ।
सभी यात्री में जान आई, सब खुश हो गए। सब लोग उस बस ड्राइवर से माफी मांगने लगे। अब बोलिए, कैसे कहूँ मैं कि इंसानियत ईमानदारी खत्म हो गई है, इसलिए चिंता मत कीजिए, आज भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग आज भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।